नामक चक्रवाती तूफान कहां से उठा है? तो बताइए ये कहां से उठा है? देखो ये जो तूफान है ये उठा है बंगाल की खाड़ी से। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये जो जवाद नाम दिया गया है साइक्लोन का, ये दिया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। हमने इसको परसों वाली डिस्कशन में कवर भी किया था कि ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल एरिया है वह उससे ये टकराएगा, और नाम दिया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। अब ये देखिए आप, ये क्वेश्चन कल दोबारा, मतलब दोबारा क्या, इसी तरीके का ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया 5 दिसंबर 2021 को। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, हिंदी में पढ़ते हैं। समुद्री चक्रवाती तूफान तोकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरब सागर। ये कहां पर हुआ था? अरेबियन सी में। तो इस क्वेश्चन को आपने देख लिया, इसी तरीके से इसी क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया गया था, तो इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने सहमति प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? सहमति प्रोजेक्ट इसको अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा। इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम दो शब्द में समझें तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, यह है ट्राइबल जो लैंग्वेजेस हैं, ट्राइबल लैंग्वेजेस को कंजर्व करना। बस आप ये याद रखेगा। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप को लॉन्च किया है। गुजरात की बात करें, गुजरात में एक गांव है कुनरिया गांव, यहां पर पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया है। अब उड़ीसा का जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, उड़ीसा 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी करेगा। अक्टूबर 2021 में उड़ीसा ने राज्य में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की शुरुआत की। उड़ीसा सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 1 दिसंबर 2021 को राज्य भर के समाचार पत्र पत्रों के फेरी वालों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की है। उड़ीसा का और करंट अफेयर कवर करते हैं। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज अकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना को लॉन्च किया। मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य उड़ीसा बन गया है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध उड़ीसा से है। 29 जुलाई 2021 को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना उड़ीसा ने लागू की। उड़ीसा ने अपनी स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की। उड़ीसा राज्य में नुआखाई राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव 11 सितंबर 2021 को मनाया गया। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये सीएचएसएल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इसलिए इन सभी पॉइंटों को आप अच्छे से याद कीजिएगा। ये लोकेशन है उड़ीसा की। ये देखिए आप, आसपास के राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, चार राज्यों के साथ उड़ीसा की बाउंड्री शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। भुवनेश्वर कैपिटल है, 1 अप्रैल 1936 में फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल राज्यपाल हैं। कटक में इसकी हाई कोर्ट है। झा के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिलिका लेक काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, उड़ीसा में है। हीराकुंड डैम महानदी रिवर के किनारे है। मंदिरा डैम शंख रिवर के किनारे है। राउरकेला जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा का स्टेट एनिमल सामर डियर और स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। तो ये थी उड़ीसा की बेसिक इन्फॉर्मेशन। थर्ड क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर फूटे घातक ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो ये अभी 4 दिसंबर 2021 को इरप्ट हुआ है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेमेरु। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सेमेरु इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कोहनी ज्योति रोसैया, देखो हिंदी में नहीं, इसको आप इंग्लिश में पढ़िए। ये जो हिंदी में लिखा हुआ है इसको तो हमने कल कवर कर लिया है, इंग्लिश में पढ़िए आप। ये क्वेश्चन है,
इन दिसंबर 2021 हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अभी हाल ही में कौन चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं दिसंबर 2021 में, तो आंसर क्या हो जाएगा, अलका उपाध्याय, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, विवेक जोहरी। विवेक जोहरी को सीबीआईसी का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है, सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। दिनेश कुमार सिंह को असम राइफल्स का एडिशनल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। अमित खरे को प्रधानमंत्री मोदी जी का सलाहकार यानी एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विनोद दुआ का दिसंबर 2021 में निधन हो गया। वे किस पेशे से संबंधित थे, तो इनका जो संबंध था ये था पत्रकारिता से, यानी इनका संबंध जर्नलिस्ट से है, जर्नलिस्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, ये हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 दिसंबर। ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे ये मनाया जाता है, 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंट डे ये मनाया जाता है, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे ये मनाया जाता है। तो 6th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 5 दिसंबर। जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया। ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे जून का है तो अभी क्यों कवर कराया जा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन कल एग्जाम में पूछा गया है UPPCS समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में, तो आंसर क्या हो जाएगा, फनीधर, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये गुजरात के मेहसाणा जिले में है, हो सकता है अगली शिफ्ट में मतलब अगले किसी एग्जाम में राज्य भी पूछ ले जाए, तो आप याद रखेगा गुजरात आंसर सही हो जाएगा अगर राज्य पूछा जाए और जिला पूछा जाए मेहसाणा, और अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए तो फनीधर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो तेल अवीव ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये किस देश में है, यह है इसराइल में, ये भी आप याद रखेगा, कभी कभी देश भी एग्जाम में पूछ ले जाता है। दिसंबर 2021 में कौन सा राज्य भारत में पहला पूर्ण रूप से COVID-19 टीकाकरण वाला राज्य बन गया है, तो हिमाचल प्रदेश जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 9th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है, ये हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का संकल्प लिया है, साउथ सूडान सही आंसर है। दिसंबर 2021 में ADB ने भारत सरकार को लगभग कितने करोड़ रुपए के वित्त पोषण को मंजूरी दी, 3752 करोड़, सही आंसर है। 3 दिसंबर 2021 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई, 137वीं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर। दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसे अपना पहला उप प्रबंध निदेशक FDMD नियुक्त किया है, गीता गोपीनाथ, सही आंसर है। नवंबर 2021 में तुलसी राजपक्षे नई दिल्ली पहुंचे, वे किस देश के वित्त मंत्री हैं, तो श्रीलंका जो है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा है, किस राज्य सरकार ने रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात तूफान जवात का नाम किस देश ने दिया है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कौनी जेती रोसैया का 4 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। केंद्र सरकार ने देश भर में मार्च 2025 तक लगभग कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। एशिया युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ, तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं, थैंक यू। पहला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है, तो ये जीता है अभी किसने, अर्जेंटीना ने, ए ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जर्मनी। जर्मनी की जो कैपिटल है ये है बर्लिन, बर्लिन इसकी कैपिटल है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी है यूरो। नॉर्वे की कैपिटल की बात करें तो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, और इसकी जो करेंसी है यह है नॉर्वेन क्रोन, KRONE क्रोन। फ्रांस की जो कैपिटल है यह है पेरिस, पेरिस इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी है यूरो। अब बात हुई है अर्जेंटीना की, पहले आप इसकी लोकेशन देखिए, अर्जेंटीना की साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है अर्जेंटीना, ये इसकी कैपिटल है ब्यूनस एयर्स, ये इसकी क्या है, कैपिटल
इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी है पैसो, अर्जेंटीना पैसो, ये इसकी करेंसी है। एक क्वेश्चन उठता है कि एग्जाम में देखो ये पूछा जाता है, पंपास ग्रासलैंड ये कहां पर है? तो पंपास जो ग्रासलैंड है ये कुछ इस तरीके से एरिया में फैला हुआ है, ये आप देख रहे हैं, मतलब उरुग्वे और अर्जेंटीना दोनों में फैला हुआ है पंपास ग्रासलैंड, ये आप याद रखिएगा। ये काफी बार एग्जाम में, मतलब काफी बार ये एग्जाम में ये क्वेश्चन बन भी चुका है कि पंपास ग्रासलैंड किस देश में है, तो ये अर्जेंटीना और उरुग्वे दोनों में फैला हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने आपकी सरकार आपके साथ अभियान लॉन्च किया है? तो ये अभी लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, नाम से ही जाहिर होता है आपकी सरकार आपके साथ अभियान, मतलब सरकार की जो तमाम स्कीमें हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, और दूसरी जो समस्या है लोगों की वो उनके घर पर ही उनको सोल्व करना। तो मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना, ये केरल की सरकार ने स्टार्ट की। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना, इसको स्टार्ट किया। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये तमिलनाडु में बनेगा। अब बात हुई है मध्य प्रदेश की, पहला पॉइंट। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश बना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश में 9,577 करोड़ रुपए की 34 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को नवंबर 2021 से लागू करने की घोषणा की, अभी लागू कर दी गई है। बीना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 7659 योजना को मंजूरी दी है, तो ये स्कीम आप याद रखेगा, नंबर 7659। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना को स्टार्ट किया। रानी पद्मावती का मेमोरियल भोपाल में बनेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प अभियान स्टार्ट किया। यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम। राला मंडल सेंचुरी मध्य प्रदेश में है। प्रतिभा खोज अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया। सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश के कैबिनेट ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कांस्य विवेक कांस्य, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है, नाम क्या है, विवेक सागर प्रसाद को पुलिस डीएसपी, यानी अपने वहां पर पुलिस में डीएसपी बनाने का निर्णय लिया है। ये मध्य प्रदेश की लोकेशन है। ये देखिए आप आसपास के राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़, पांच राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। भोपाल कैपिटल है, 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल ये राज्यपाल हैं। जबलपुर में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि मालीमात। 52 जिले हैं, लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा हिल्स के बारे में भी आपने सुना होगा, फोशल नेशनल पार्क, ये सभी मध्य प्रदेश में हैं। थर्ड क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में किस राज्य ने राज्य में तैराकी पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने, बढ़ावा देने और विस्तार करने के लिए स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसका उद्देश्य है राज्य के अंदर जो स्विमिंग इकोसिस्टम है इसको एक्सपेंड करना, डेवलप करना और प्रमोट करना। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, उत्तराखंड। भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तरकाशी में बनेगा, नीदरलैंड की सहायता से। गुजरात में एक गांव है कुनरिया गांव, यहां पर पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया है। अब देखो बात हुई है उड़ीसा की, तो ये आप बॉक्स में देख रहे हैं, ये है उड़ीसा का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ये देखिए ये उड़ीसा का और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये लोकेशन है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको हमने कल अच्छे से कवर किया था, तो इनको आप खुद ही कवर कर लीजिएगा, सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखी हुई है। थर्ड क्वेश्चन, केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिसंबर 2021 में किस राज्य में 50 बिस्तर के एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया है? बताइए। तो देखो ये किया गया है कहाँ पर, मणिपुर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, मणिपुर जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
बात करते हैं अब कैपिटल की, नागालैंड। नागालैंड की जो कैपिटल है यह है कोहिमा। असम की कैपिटल दिसपुर। मणिपुर की कैपिटल इम्फोल। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक। तो ये आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय संपत्ति पुन निर्माण कंपनी NARCL यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप साहा, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करते हैं अगर हम दूसरे ऑप्शन की, विवेक जोहरी। विवेक जोहरी को CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। अमित खरे, इनको प्रधानमंत्री मोदी जी का सलाहकार एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। अलका उपाध्याय, इनको NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में एलिन एस का निधन हो गया, वे एक क्रिकेटर थी। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पे देखो डैश लिखा हुआ है, तो पूछा गया है वो कौन थी, तो ये एक क्रिकेटर थी। भारत में हर वर्ष किस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 दिसंबर। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे ये मनाया जाता है। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे ये मनाया जाता है। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोइल डे ये मनाया जाता है। तो 6th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 6 दिसंबर। दिसंबर 2021 में अभ्यास एकोवरीन का 11वां संस्करण भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया गया? ये देखो स्टार्ट हो चुका है 6 दिसंबर से, तो आंसर क्या हो जाएगा, मालदीव। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये कब तक चलेगा, 19 दिसंबर तक चलेगा। ओमान की जो कैपिटल है यह है मस्कट। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, जो फर्स्ट क्वेश्चन में कवर की थी। रशिया की जो कैपिटल है यह है मॉस्को। तो ये भी आप याद रखेगा, ओमान की कैपिटल क्या है, मस्कट। ये मालदीव है, लोकेशन देखें, ये इसकी कैपिटल है माले। मालदीवियन रुपया करेंसी है। इब्राहिम मोहम्मद सोली ये राष्ट्रपति हैं मालदीव के। दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन के कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन की समय सीमा को निम्नलिखित में से किसके लिए बढ़ा दिया है, मतलब कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो जून 2023 जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जून 2023 स्मार्ट सिटीज मिशन, इसको जो लॉन्च किया गया था ये 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। 2015 आप याद रखेगा। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है श्रुति सितारा। 9th क्वेश्चन का सी आंसर सही आंसर है। दिसंबर 2021 में कौन से राज्य को दूरदर्शन केंद्र के लिए अपना दूसरा अर्थ स्टेशन मिला है? तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, उत्तर प्रदेश। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन बना? गुजरात सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया? असम सही आंसर है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात तूफान जवाद का नाम किस देश ने दिया? सऊदी अरेबिया सही आंसर है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कोनी जीते रोसैया का 4 दिसंबर 2021 को निधन हो गया? आंध्र प्रदेश सही आंसर है। केंद्र सरकार ने देश भर में मार्च 2025 तक लगभग कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? 10,500 सही आंसर। एशिया युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ मनामा में। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दिसंबर 2021 में जवाद नामक चक्रवाती तूफान कहाँ से उठा है? किस राज्य सरकार ने सहमति प्रोजेक्ट लॉन्च किया? दिसंबर 2021 में इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर फूटे घातक ज्वालामुखी का नाम क्या है? किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कोनी जेति रोसैया का 4 दिसंबर 2021 को निधन हो गया? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।